उधर गर्मी के मौसम में जलदाय विभाग से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पीएचईडी विभाग ट्यूबवेल खोदने का पूरा काम गर्मियों के बाद शुरू करेगा। बिसलपुर बांध में पानी की कमी को देखते हुए जलदाय विभाग ने ट्यूबवेल खोदने का फैसला लिया था। महीने बीत गए लेकिन इसके बावजूद भी समय से ट्यूबवेल नहीं खोद पाए हैं। अब ऐसे में जयपुर की जनता की प्यास कैसे बुझेगी, देखिए जलदाय विभाग के दावों की पोल खोलने वाली ये पूरी रिपोर्ट। जल संकट से जूझ रहा जयपुर। पीएचईडी विभाग ने मुंह दी आंख। जुलाई तक राहत की उम्मीद नहीं। पानी की मार झेल रहा पिंक सिटी सूरज की गर्मी से जरूर लाल हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके भी पीएचईडी विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। जिन ट्यूबवेल को गर्मी में पानी की किल्लत के लिए खोदा जाना चाहिए था, अब उन ट्यूबवेल से गर्मियों के बाद पानी मिलेगा। जलदाय विभाग के सभी 732 ट्यूबवेल अप्रैल तक खुदने थे, लेकिन ट्यूबवेल्स का काम 20 जुलाई से पहले पूरा नहीं होगा। ऐसे में जनता को जुलाई तक प्यास से जूझना ही पड़ेगा। जयपुर में वाटर सप्लाई के लिए 732 ट्यूबवेल स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 279 ट्यूबवेल्स जलाशयों से सीधे जोड़े जाने थे, लेकिन अब तक महज 173 ट्यूबवेल्स खुदे हैं और सिर्फ 103 ही चालू हो पाए हैं। इसके अलावा 453 ट्यूबवेल जयपुर के उन इलाकों में खोदे जाने थे जिनमें अंतिम छोर तक प्रेशर की समस्या रहती है, जिसमें से अब तक सिर्फ 142 ट्यूबवेल ही खुदे हैं और सिर्फ 68 ट्यूबवेल ही चालू हो पाए हैं। ट्यूबवेल्स की प्रगति का यह है कि जो 279 ट्यूबवेल्स थे उनमें से हमने 143 ट्यूबवेल अब तक खोद दिए हैं और 453 जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्यूबवेल्स थे उनमें से 47 ट्यूबवेल्स को हमने ड्रिल कर दिया है। मई जून आते आते तो जयपुर और जलने लगेगा, ऐसे में पानी की डिमांड भी और बढ़ने लगेगी, लेकिन जलदाय विभाग तो मानसून आने के बाद ही जयपुर की प्यास बुझाएगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।